मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। सुशील जी, जिस तरीके से जो है आप लोग कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौतें हो रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि NHRC बिहार के मामले में ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और बाकी राज्यों में उस तरह से सक्रिय नहीं होती है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई अंग नहीं है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करता है, लेकिन जिस बिहार में इतनी बड़ी संख्या में मौत हो गई और उसको छिपाया जा रहा है, ये तो जो गरीब लोग उनके जो मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर NHRC वहाँ जा रही है तो इसको क्यों आपत्ति होनी चाहिए, इनको क्यों डर है? अगर कोई आपने गलत काम नहीं किया है तो कोई कमीशन जाए क्या क्या बिगाड़ लेगा आपको? लेकिन ये संसद के अंदर जहरीली शराब से मरने वालों की मामले पर मामला उठाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज NHRC के जाने पर ये मामला उठा रहे हैं। कोई संस्था जाए इसमें क्या दिक्कत और है? उसको पूरा अधिकार है। लेकिन सर, और बिहार में जिस तरह से गरीबों का अधिकार उनको रोका जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में NHRC का जाना बहुत ही उचित है। लेकिन सर, विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम राज्यों में घटनाएं होती हैं, बीजेपी शासित राज्यों में भी होती हैं, लेकिन वहाँ पर NHRC इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती है, बिहार के मामले में जितना एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ जिस तरह का माहौल पैदा किया सरकार ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, क्या गुजरात में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया, या क्या उन राज्यों में 4-4 लाख लोग जेलों में बंद हैं? तो बिहार के अंदर शराबबंदी के बाद जो स्थिति पैदा हुई और जो मौतें हुई हैं और जिस प्रकार से राज्य सरकार छिपा रही है आंकड़ों को, अब उनके मंत्री कह रहे हैं केवल 38 लोगों की मौत हुई, जबकि सारा मीडिया कह रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर NHRC नहीं जाता है तो सारी बातें दब जाएगी, इसलिए मैं तो स्वागत करता हूँ NHRC के वहाँ जाने का। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि NHRC को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पर तथ्य छुपाए जा रहे हैं, उन राज्यों में भी जाती है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री इस तरीके से जो है बयान नहीं देते हैं या चीज़ों को छुपाने की बात नहीं होती, इस वजह से NHRC का बिहार जाने का स्वागत कर रहे हैं सुशील मोदी। अंकित गुप्ता, BP News, दिल्ली।